नॉर्मल लेबर के बारे में हम लोग देख रहे हैं, राइट? थर्ड स्टेज लेबर का नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। इस पे पेशेंट को जो पोजीशन जो होता है ना, वो डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल चॉइस, वो कौन सा पोजीशन में चाह रहे हैं उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सेकेंड है जो प्रोग्रेस कैसे नॉर्मल चल रही है, कुछ अबनॉर्मल है उसकी बेसिस में भी होता है। और जो तीसरा जो है मिडवाइफ के एक्सपीरियंस भी मैटर्स, बिकॉज वो देखी होगी जो पुराना वाला जो डिलीवरीज होते समय में, मैंने प्लेसेंटा जब डिलीवरी होते समय में ये पोजिशन में जल्दी हो जाता है, इस प्रकार के कुछ आइडिया रहा होगा उसका बेसिस में भी होता है। प्लस यूट्राइन कंट्रैक्शन की बेसिस में भी होता है, बिकॉज यूट्राइन कंट्रैक्शंस नॉर्मली 4 से 5 मिनट के अंदर में आना चाहिए विद एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे, राइट? वो उसकी बेसिस में भी होता है एंड ब्लड लॉस के ऊपर भी वो पोजिशन डिपेंड होता है। सो एक पोजिशन है ये डॉर्सल पोजिशन है, ये एक्चुअली बच्चे मतलब जैसे डिलीवरी होने के बाद, मतलब बच्चे का डिलीवरी होने के बाद उसको माँ का पेट में उसको लगाता है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जब तक पल्सेशन होता है तब तक के लिए उसको रखेगा, मतलब 103 मिनट के बाद उसको मतलब क्लैंप करके उसको अलग करेगा। तब तक के लिए माँ के ऊपर वही बच्चे का कडल कर सकती है, आराम से उसको पास में रख सकती है, और यूट्रस को भी जो मिडवाइफ होता है वो अच्छे से पैल्पेट करके देख सकता है। बट ये ड्रॉबैक क्या है ना, इस पोजिशन में रहते समय में जब ब्लीडिंग होती है ना, वो वेजेने में रुक जाती है और क्लॉट्स वहीं पर हो जाता है, पता नहीं चलते कितनी ब्लीडिंग हो रही है। ओके, ये ड्रॉबैक इस पे डोर्सल पोजिशन पे। बट दिस इज अनदर पोजिशन, अपराइट नीलिंग स्क्वाटिंग पोजिशन, ये थोड़ा बहुत ठीक है। बट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया हो ना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे, बिल्कुल इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अदरवाइज उसका फिर आईसीपी वगैरह जो डिक्रीज हो जाएगी। और मेन एडवांटेज क्या है, ये प्लासेंटा को जल्दी से एक्सपेल करने के लिए देगा, क्योंकि ग्रेविटी है ऊपर से तो नीचे आती है ना ग्रेविटी, उसी के कारण से। प्लस इंट्रा अबडोमिनल प्रेशर, स्क्वाटिंग पोजीशन जैसे पॉटी करने का पोजीशन होता है ना, तो वो पुश करने का एक अबडोमिनल प्रेशर देता है और उसके बाद उसको पुश करने के लिए हेल्प करता है। एंड मोर ओवर जो ब्लड लॉस है ना वो तो ऊपर रुकेगा नहीं, वजन में भी नहीं रुकेगा, इस पोजिशन में रहते समय में वो नीचे आ जाती है, तो इसलिए हम आराम से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर बच्चे को कडल करने के लिए वो मुश्किल होगा, तो बच्चे को इस पोजीशन में मत, मतलब उसके साथ में कोई होना चाहिए उसको पकड़ने के लिए, नहीं तो पेशेंट का हाथ में दे दिया, पेशेंट तो ऑलरेडी टायर्ड रहेगी तो बच्चे नीचे गिरने का भी चांसेस होती है। सो उस समय में ये थोड़ा से ड्रॉबैक है। ओके, पार्टोग्राफ में ही यूजुअली जो फर्स्ट स्टेज में ही इसको मॉनिटर किया जाता है, पोस्ट पार्टम में नहीं, बट स्टिल आई गिव यू दिस इमेज बिकॉज माँ का वाइटल्स का स्टेटस इसमें ऑब्जर्व करना इम्पॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज बीपी एंड पल्स जो होता है, ये दो इम्पोर्टेंट वाइटल्स आपको चेक करना पड़ेगा, वो भी पीरियोडिकली डिलीवरी होने के बाद हर आधा घंटे में आपको चेक करना है। बट सिस्टोलिक जो बीपी है, नॉर्मल बीपी कितना है, इट इज 120/80 होती है, बट यहाँ पर 110 mmHg तक उसको सिस्टोलिक को मेंटेन करके रखने के लिए देखना है। और पल्स जो होता है ना वो ब्लड लॉस का बेस्ट गाइड है, कितना ब्लड लॉस होता है वो पल्स की बेसिस में होता है। सपोज 90 पल्स के ऊपर होगा इसका मतलब उसका ब्लीडिंग हो रही है, राइट? और जो रेजिंग विद पेलर, ओके, पेलर का मतलब जो जैसे क्लास में हम लोग को बताया था जो आइस के नीचे में यहाँ पर जो लालपन होना चाहिए वहां पर कम होगा तो उसको पेलर कहता है, राइट? तो ये क्या करता है, पल्स रेट सपोज 90 के ऊपर है विथ पेलर, वो दोनों हेमरेज को दर्शाता है। सो कंसिस्टेंसी ऑफ यूट्रस को भी देखना पड़ेगा, कंसिस्टी मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द यूट्रस। सो इसमें क्या चेक करेंगे, सपोज वहां पर अब्डोमेन के ऊपर एक हाथ लगा के उसको पैल्पेट करके देखेंगे फंडस को, तो उस समय में क्या होगा, एक टेनिस बॉल जैसे है ना, इस प्रकार की हार्ड रहेगा, देखने में तो सॉफ्ट है बट उसको छू के देखेंगे ना बहुत हार्ड रहता है। बट इसको जो जो हार्ड है ना, ये जो बड़ा होगा इस समय में, मतलब ब्रॉडर अधि लैटरली, बट एंटीरियर पोस्टर में उसको जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्रॉड इसलिए होना चाहिए बिकॉज वो कंट्रैक्ट हो रही है इसी के कारण से। सो क्रिकेट बॉल की तरह होगा जब उसको यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो होती है तब की। ओके, साइज ऑफ द यूट्रस देखना पड़ेगा, जो डिलीवरी के बाद मतलब बच्चा पैदा होने के बाद जो फंडस के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर आसपास में यहाँ पर उसको इमीडिएटली उसके बाद इतनी हाइट होती है, सिम्फाइसिस फंडल हाइट, मतलब ये है फंडस, ये है सिम्फाइसिस, इसके बीच में जो ये हाइट है ये अम्बिलिकस के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर अबव रहेगा। बट याद रखना, सपोज इसके ऊपर रहता है तो नंबर 1 आपको वहां पर दूसरा बच्चा है क्या देखना पड़ेगा, बिकॉज इन ट्विंस में कभी कभी पता ही नहीं चलता, साइज की बेसिस में हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, एक बच्चा डिलीवरी होने के बाद दूसरा बच्चा है वो चेक करना है, और दूसरा वहां पर प्लासेंटा
हो सकता है बहुत बड़ा हो, मैक्रोसोमिक बेबी हो, नहीं तो कुछ आ, 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 मतलब लार्ज प्लासेंटा हो, तो उसको चेक करना पड़ेगा। और ब्लड क्लॉट्स भी होने का चांसेस होते हैं। सपोज यहाँ पर ब्लीडिंग ब्लीडिंग होते होते क्या होगा, वहां पर क्लॉट बनने लगे, हेमाटोमा बनने लगे, हेमाटोमा बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, ठीक है। इन दैट केस वो भी बड़ा हो सकता है। चौथी जो है उसका ब्लैडर भी फुल हो सकता है। इन दैट केस इट हैज टू बी रोल्ड आउट। सो फंडस के ऊपर केवल 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना मन में रख लेना। और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस को आपको चेक करना पड़ेगा। सो वल्वा में दिखाई देगा कितना ब्लड लॉस हुई नहीं हुई, और एवरेज जो होता है 120 ml टू 240 ml जो ब्लीडिंग होती है। जो ब्लीडिंग जब दिखाई नहीं देता है, बाहर वल्वा में नहीं दिखाई देता, इसका मतलब है अंदर ही वो क्लॉट्स और हेमाटोमा बन के रहा होगा, इसी को ध्यान देना है। और दूसरा, पल्स रेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज पल्स रेट जो 90 के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ब्लड लॉस हो रही है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना पड़ेगा, पेशेंट ओस में है नहीं तो नहीं है, बिकॉज ज्यादा ओस में नहीं है इसका मतलब बीपी कम हो गया होगा, वो चेक करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन चेक करना पड़ेगा, रेट एंड रिदम, मतलब एटलीस्ट 16 to 24 breath per minute होना चाहिए, और रिदम भी रेगुलर होना चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। और डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट पे है। सो इसमें दो प्रकार की होते हैं, सबसे पहले एक्टिव मैनेजमेंट होता है, सेकेंडली इज अ फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट, पैसिव है ये अपना आप निकलता है, ये एक्टिव मैनेजमेंट हम लोग जो प्रोफेशनल एरिया में करना पड़ता है, एंड दिस इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। सी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द स्टेज ऑफ लेबर पे क्या होता है पता, ये हम एज अ मिडवाइफ पेशेंट को हर एक डिलीवरीज में आपको रेकमेंड किया जाता है तो देना पड़ेगा। इसमें तीन एक्टिविटीज होता है, इट इज यूट्रोटोनिक ड्रग, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन मसाज। एक एक करके धीरे देखेंगे, बट इतना ईजी रखने के लिए याद रखना, इट इज UCU। सपोज आप गवर्नमेंट में कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाएगा। ओके, टेल मी अबाउट द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट right? ये पता होना चाहिए, यूट्रोटोनिक ड्रग, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, यूट्राइन मसाज। सो इसको CCT भी कहते हैं, बिकॉज कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन कहते हैं। सो इसके बारे में डिटेल ही हम लोग देखेंगे। सो दिस इज व्हाट ये वाला जो है पोस्टर है, आप लोग वार्ड में देखा होगा, और स्पेशली लेबर रूम्स में, PHC CHC कहीं भी हो, ये वाला दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये होता है, यू मस्ट यूट्रोटोनिक, दिस इज ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, 10 यूनिट्स देता है। और ये है सी, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन है, ये देखो एक हाथ ऊपर से पुश कर रहे हैं, यूट्रस को ऊपर तरह से पुश कर रहे हैं, और नीचे से यहाँ ये पुश ये पुल, पुल प्लासेंटा को रोटेटरी मोशन में करना पड़ेगा। दिस इज ए यूट्राइन मसाज, इस इज UCU, इसके बारे में डिटेली अभी देखेंगे। सो यूट्रोटोनिक जो ड्रग होता है ना, ये क्या करता है, यूट्राइन मसल्स को पूरा कंट्रैक्ट करता है, और उसका कंट्रैक्ट हो जाएगा ना तो प्लासेंटा वहां से एक्सपेल होके बाहर आ जाएगा, प्लस ब्लीडिंग भी कम होने लगेगा। ये PPH को प्रिवेंट करता है। PPH क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, तो इसमें पेशेंट्स लोग मतलब इसमें मृत्यु मात्र मृत्यु दर बोलता ना, मोटेनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी इसी के कारण से ज्यादा होता है। ओके, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है ये। इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ये दिया जाता है, और बट इसको देने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा बच्चा है या क्या है वो रूल आउट करना है। और ऑक्सीटोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ये सब सेंटर में भी दिया जाए, नहीं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, नहीं तो फर्स्ट रेफरल यूनिट में, नहीं तो हेल्थ फैसिलिटी कहीं भी है, ये ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन के एक नियम कानून है, उसमें 4 से 8 डिग्री रहेगा, उसको जो काम है वो करेगा, राइट। वो फ्रोजन नहीं होना चाहिए, फ्रोजन मतलब है वो जो फ्रीजर होता है ना उसमें रख दिया, वो आइस क्यूब जैसे हो जाएगा, उस प्रकार की नहीं होना चाहिए, ये रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। और 10 यूनिट्स लेना पड़ेगा, मतलब एक एम्प्यूल जो होता है 5 यूनिट्स होती है, इसमें 2 एम्प्यूल्स आपको लेना पड़ेगा। सपोज वो पेशेंट डिलीवरी हुई है, कहीं भी हुई है, सब सेंटर में होना, तो PHC में नहीं तो FRU में कहीं भी हुआ होगा, तो उसको 10 यूनिट्स IM देना पड़ेगा, इंट्रामस्कुलर। ओके, सपोज इन केस वहां पर रेफ्रिजरेटर नहीं है, नहीं तो डिलीवरी घर पे हो गया, तो उस समय में ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो उसको मिसोप्रोस्टोल टैबलेट है, उसको 600 mg ओरली, जैसे डिलीवरी होने के बाद, प्लासेंटा डिलीवरी होने के बाद उसको मुंह पे देना पड़ेगा, वो पानी पी लेगी और आराम से उसको वो काम हो जाएगा। बट इतना याद रखना, मिसोप्रोस्टोल की जो साइड इफेक्ट्स है ना, पेशेंट को ठंडी लगेगा, प्लस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी रहेगा, मतलब थोड़ा सा पेट गड़बड़, नहीं तो कुछ पोटी लगने लगे, इस प्रकार के होगा। बट आस्क नॉट टू वरी अबाउट इट, बिकॉज ये सब नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है, कॉमन भी है।
नेक्स्ट इज कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, ये है एक टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है, प्लासेंटा को बहुत आराम से बाहर निकलेंगे, क्योंकि नहीं निकलेगा, रिटेन्ड प्लासेंटा हो जाएगा। व्हाट इज रिटेन्ड, इज रिटेन्ड मीन्स वहीं अंदर ही रुक जाता है उसका, 5-10 मिनट में वो बाहर निकल के आ जाना चाहिए, बट नहीं निकल कर आएगा तो रिटेन्ड प्लासेंटा हो जाएगा। और सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग उसकी प्लासेंटा डिलीवरी होने के बाद थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है। ओके, सो इनके ज़्यादा हो जाएगी वो पीपीएच हो जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट 4 से 5 मिनट में फर्स्ट यूट्राइन कंट्रैक्शन आता है ना, तभी उसको निकलना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन भी डिलीवरी हो गया और तुरंत उसको ऑक्सीटोसिन भी लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली 4 to 5 मिनट्स में ये दे देना चाहिए। मीन्स कब देना चाहिए ऑक्सीटोसिन, जैसे बच्चे डिलीवरी हो गया तुरंत देना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीटोसिन की काम क्या है, यूट्रस के ऊपर कंट्रैक्ट करेगा, नीचे से डायलेटेशन हो जाएगा। तो इट इज इजी, एक्चुअली दिस इज अ गुड ड्रग ऑफ चॉइस, इसलिए बोलता है। ठीक है, ये नीचे खुला रहेगा तो प्लासेंटा भी आने का चांसेस होते हैं, इसलिए बच्चे जब डिलीवरी हो गया तो इमीडिएटली उसको देना पड़ेगा, और इमीडिएटली देने के बाद 4 से 5 मिनट में फर्स्ट यूट्रस कंट्रैक्शन आएगा, तभी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करना है। जब क्लाम्प है, ये याद है जैसे बच्चे डिलीवरी होने के बाद 2 क्लाम्प करना पड़ता है, एक तो यहाँ बीच में हम लोग ने कट लिया, ये माँ के पास चला जाएगा बच्चे के साथ, और ये वाला जो है ये मेटरनल साइड में यहाँ पर प्लासेंटा के साथ अटैच्ड है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पास में लेके जाना है, यहाँ पर वल्वा तक इसको लेके जाके क्लैंप करना पड़ेगा। ओके, और ये आर्टरी फोर्सेप्स भी ले सकते हैं, कॉकर भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लैंप को यहाँ पास में एक हाथ में पकड़ लिया है और दूसरा हाथ में अब्डोमेन के ऊपर, ये सिम्फाइसिस प्यूबस है, यहीं पर उसको हाथ को ये इस प्रकार 4 उंगलियां दी है, 4 उंगलियां का करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक थंब रखना है और बाकी पूरा उंगलियां इस प्रकार के होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऊपर से ये पुश होगी, ये नीचे से ये पुल करना पड़ेगा। ओके, जब भी पुल करते समय में एक टेंशन लेके, मतलब इसको थोड़ा से टेंशन रखना पड़ेगा, टेंशन के साथ जर्क ही नहीं है, ऊपर नीचे नहीं करना, उस प्रकार की करेगा प्लासेंटल का बीच अंदर रुक जाने के चांसेस होते हैं। ये कब करना पड़ता है, यूट्रस कंट्रैक्शन कैसे पता चलेगा यूट्रस कंट्रैक्ट हुआ है, जैसे यहाँ पर ऊपर रखा ना, तो ये हाथ को यहाँ पर पहले रख के देखना पड़ेगा, ये वाला जो है फंडस है वो हार्ड रहेगा, ग्लोबुलर नहीं सिर्फ गोल गोल रहेगा। तो ठीक है, इन दैट टाइम, आई मीन दैट टाइम इज द राइट टाइम टू पुल दी प्लासेंटा। जैसे बोला है, ये वाला जो है ये ऊपर का एक हाथ रखना पड़ेगा, और सिम्फाइसिस प्यूबस की ये काउंट्रैक्शन, मतलब ऊपर पुश और नीचे पुल, ये काउंट्रैक्शन का बेसिस में आपको निकलना पड़ेगा। ओके, आई विल टेल यू व्हाई यू हैव टू कीप दिस हैंड ओवर हियर। सपोज प्लासेंटा यहाँ पर अटैच्ड है, हमें नहीं पता यहाँ पर फंडस में है, तो आपने पुल करते समय में ये वाला जो पुश ऊपर नहीं करेगा, ये जो फंडस है ना, ये फंडस उल्टा होके इस प्रकार की आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एन इन्वर्शन ऑफ यूट्रस, सो दैट विल बी एन इमरजेंसी, इसीलिए आपको ऊपर की पुश करना पड़ेगा और नीचे की यहाँ पर पुल करना पड़ेगा। जर्की मूवमेंट्स मतलब, जर्की मतलब छोड़ो फिर खींचो, कुछ छोड़ो खींचो, इस प्रकार की नहीं करना, ये कंटिन्यूसली करना पड़ता है। और 30 to 40 seconds में कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन में ये आ जाना चाहिए, तब तक वो कंटिन्यू करना पड़ेगा पुल, बट उसके ऊपर हो जाएगा ना, मतलब लगभग इट इज 40 सेकेंड्स के ऊपर नहीं करना करके लिखा है, राइट? और जब स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन नेक्स्ट टाइम आएगा तो एक और बार काउंटर कंट्रैक्शन देके कर सकता है। रिमेम्बर एक्सेसिव ट्रैक्शन नहीं देना, बहुत जोर से कर लिया अगेन यूट्रस पलटे उल्टा मार के आ जाएगा, इट्स नॉट प्रोलैप्स, उल्टा मतलब ये उल्टा आ जाएगा, प्रोलैप्स का मतलब ये पूरी बाहर आ जाती है, सो इट इज नॉट अ प्रोलैप्स, दिस इज इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, इज अ डिफरेंट टर्म फ्रॉम द प्रोलैप्स। ओके, सो ये रिपीट एक ही बार करना पड़ेगा, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन बार बार नहीं करना चाहिए। ओके, एक हाथ ऊपर रख दिया है और आराम से सपोज ये प्लासेंटा, ये दोनों आने के बाहर आने के बाद दोनों हाथ वहीं पर वो पूरा गोल करके उसको लेना है, और लेने के बाद उसको रोटेट करना है। ओके, ये ऐसे रोटेट 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 करते रहेगा, जो मेम्ब्रेन्स यहाँ पर जो चुटी है ना, वो मेम्ब्रेन्स वगैरह भी उसमें साथ साथ में आ जाएगा। जैसे ये प्लासेंटा बाहर आएगी, तब उसको दोनों हाथ में पकड़ के उसको गोल करके उसको रोटेटरी मोशन पे बाहर निकलना है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन यहाँ छूटना नहीं चाहिए, मतलब ये मतलब अंदर ही रुकना नहीं चाहिए। ओके, देर आर चांसेस मेम्ब्रेन यहाँ पर फट के यहाँ पर कुछ रुक सकता है, उसको फ्रैगमेंट्स कहते हैं, प्लासेंटल फ्रैगमेंट्स कहते हैं, पीसेस भी कहते हैं, वो मेम्ब्रेन बिट भी रह जाएगा ना, उसके बाद उसको वहीं पर ब्लीडिंग खूब होगा।
राइट, अल्टीमेटली लीडिंग टू पीपीएच, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ये वाला चेक करना पड़ेगा। सो मेम्ब्रेन टेयर है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। सपोज इन केस मेम्ब्रेन यहाँ पर रहेगा तो फिंग मतलब पीवी करते ही उसको निकल सकता है, इन केस नहीं है तो स्पंज होल्डर से उसको पकड़ के निकल सकता है। रिमेंबर ओनली वन थिंग इज, ओके, यू शुड नेवर अप्लाई कॉन्ट्रैक्शन पुल विदाउट एनी कंट्रैक्शन, राइट। कभी भी कंट्रैक्शन नहीं है, बस पुल मत करना। कंट्रैक्शन कैसे पता चलेगा? फंडस को पैल्पेट करके देखेंगे, टाइट रहेगा। सो ओके, विदाउट दैट प्लीज डोंट पुल दैट, अदरवाइज पेशेंट की वो वाला प्रॉब्लम होने लगेगा। एंड देन यू हैव टू पुश, दूसरा एक और है, एक हाथ तो ऊपर पुश करना पड़ेगा सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर। प्लासेंटा जैसे डिलीवरी हुआ पूरा कंप्लीट है क्या है उसको जांच करना पड़ेगा, उसकी प्लासेंटल बिट्स हो पीसेस हो अंदर रहेगा, पीपीएच होने लगेगा। सो मैटरनल सरफेस का साइड में देखना पड़ेगा, उसमें कहीं कुछ तो छूटा तो नहीं है, कोई मतलब ब्लड वेसल सही है, ये सब कुछ देखना है। आई विल शो यू द पिक्चर, वेट लेट मी नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखा रही हूँ। ओके, प्लासेंटा 30 मिनट के अंदर में वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के साथ नहीं तो टैबलेट मिसोप्रोस्टोल से निकलना ही चाहिए। नहीं निकलेगा तो तुरंत वो पेशेंट को फर्स्ट रेफरल यूनिट में भेजना है। सो जब भी भेजता है तो उसको कौन सा दवाई दिया है आपने, कौन सा डोज दिया है उसको, टाइम कब दिया है, वो रेफरल स्लिप में लिख कर उसको पेशेंट के साथ उसको भेजना पड़ेगा। सो दैट जो वहां पर पहुंचने के बाद उन लोगों को एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सी लुक एट दिस वन, सो दिस इज कंप्लीटनेस आपको देखना पड़ेगा। दिस इज अ फीटल सर्फेस। फीटल सर्फेस में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है ये तो शाइनी शाइनी दिखती है यहाँ पर, और ये ब्लड वेसल्स वगैरह दिखाई देते हैं, ये मेटरनल सरफेस है। ओके, ये कॉटिलेडन्स होती है, ये इसके बारे में धीरे देखेंगे। मेटरनल सरफेस में ये है, सो ये मेटरनल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ओके, सो प्लासेंटा को उल्टा पकड़ के रखना पड़ेगा। उल्टा पकड़ के रखेंगे, ओके, या उल्टा पकड़ के मींस लाइक प्लासेंटा दोनों हाथ में जोड़कर उसको उल्टा ये मेटरनल सरफेस को खोल के देखना, वहां पर क्या क्या दिखाई देगा। ये है, इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। ओके, इस बीच में गैप है, देखो ये लोब्यूल्स भी कहते हैं, कॉटिलेडन्स भी कहते हैं। ये 15 से 20 इसमें रहता है, इसी के थ्रू ही बच्चों को ब्लड सप्लाई वगैरह मिली है। ये लोब्यूल्स क्या होता है ना, इस प्रकार के गोल करके पकड़ेंगे, टाइट फिक्स होना फिट होना चाहिए, बट इन बिटवीन उसमें मिस हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ये मार्जिन देखना पड़ेगा, ये कंप्लीट है नहीं तो वहां से ब्लड वेसल जा रही है क्या है वो जांचना पड़ेगा। और सपोज यहाँ पर कुछ चुटी है तो फ्रैगमेंट्स भी अंदर रहेगा और अल्टीमेटली पीपीएच होने का चांसेस होता है। ओके, कलर देखो इसको, वो डार्क ब्लूइश कलर में रहता है, राइट। ओके, डार्क ब्लूश कलर में रहता है, एंड मोर ओवर ये सपोज सॉफ्ट और मशी मशरूम के जैसे दिखाई देगा ना, इसका मतलब है वो अनहेल्दी ये व्हाट इज दैट प्लासेंटा है। सो हाइड्रोक्सपिटालिस में वो बहुत बड़ा रहेगा, पेल रहेगा, एकदम एडिमाटस रहेगा, जिसमें उसमें पानी थे धीरे धीरे ऊस होते रहेगा। वो आपको पता करना पड़ेगा कौन सा वाला है क्या। सो रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट्स, रेट्रो का मतलब क्या है, पीछे है, किसके पीछे में, यूट्रेस और जो प्लासेंटा का बीच में, ओके, वहां पर क्लॉट दिखाई देगा, उसको बोलते हैं रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट्स कहता है। इनफैक्ट का मतलब वहां से ब्लड सप्लाई नहीं गया हो, और वहां से ब्लड सप्लाई नहीं जाने के कारण से यहाँ पर बीच बीच में व्हाइट, यहाँ तो व्हाइट हल्की से ये शाइनिंग दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली व्हाइट बहुत भयंकर दिखाई देगा इनफैक्ट वाला में, इसका मतलब वो प्लासेंटल इनसफिशेंसी हुआ हो। और ये पोजिशन ऑफ द कॉर्ड यहाँ पर देखना पड़ेगा, एक्सेंट्रिक कहता है, ये वाला यहाँ से यहाँ बीच में रहता है, इट इज नॉट लाइक कोने में रहेगा और मुश्किल पड़ जाएगा, और बीच में भी रहेगा, इट इज माइट बी समथिंग, बट मोस्टली एक्सेंट्रिक इज अ वन फाउंड इन कॉमन। ओके, लेंथ ऑफ द कॉर्ड देखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्यों है, मीन्स अभी कोई फायदा तो नहीं है शॉर्ट कॉर्ड है लॉन्ग कॉर्ड है देखने के लिए, बट लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है क्या है उसको किसी किसी चार्ट में लिखा रहता है। ओके, ब्लड वेसल्स के बारे में देखना है, वहां पर टू आर्टरीज है और वन वेन है देखना है। ओके, सो फीटल सरफेस जो होता है ये है फीटल सरफेसेस। सो लुक एट दिस वन, इसके नीचे ब्लड वेसल्स जा रहा है, ये ऊपर क्या है, ये मेम्ब्रेन्स है। मेम्ब्रेन्स में दो मेम्ब्रेन्स होगा, एक माँ के साइड जो अटैच्ड है वो कोरियन कहते हैं, और यहाँ पर जो फीटस के साइड अटैच्ड है वो एमनियन कहता है। सो उल्टा इस प्रकार की पकड़ना पड़ेगा प्लासेंटा को, और हाथ डाल के देखना पड़ेगा, इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसे दिख रहा है ना, इस प्रकार की आपको चेक करना पड़ेगा। उसमें मेम्ब्रेन्स क्या होता है, ये कौन है, मैं आपको देखना पड़ेगा, ये फटी है, इरेगुलर है, क्या है वो देखना पड़ेगा। और ये है एजियस में है ना, ये थोड़ा से फेड होके जाएगा, कौन ब्लड वेसल्स वगैरह वो देखना पड़ेगा।
और दूसरा जो है ये फ्री एंडिंग एरिया पे, वहां पर लोब्यूल्स कहीं छुटा तो नहीं है, वो भी चेक करना पड़ेगा। लोब्यूल छुटा है हो सकता है एक पूरा कोटिलेडन अंदर ही रुक गया होगा यूट्रस में, अगेन पीपीएच होने का चांसेस होता है। ये मेम्ब्रेन का इंसर्शन का भी देखना पड़ेगा। कभी कभी जो मेन प्लेसेंटा है ना यहाँ पर है, ये देखो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से बीच में देखो ब्लड वेसल जा रहा है, तो आप पकड़ के इसको खींचेंगे तो क्या होगा, आपके पास मेम्ब्रेन ही आ जाएगा, तो मेन पार्ट पूरा पूरा अंदर डालेगा, फिर बाद में वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको वेलामेंटस इंसर्शन भी कहता है। और आपको ये वाला भी चेक करना पड़ेगा कहीं होल तो नहीं है उसमें, एक होल रहेगा तो यहाँ पर ब्लड वेसल ऐसी जाएगी ना, इसको बोलते हैं सक्शन जनित प्लासेंटा। सो मेन प्लासेंटा बाहर निकल के आया होगा, बट बात ये है जो ब्लड वेसल यहाँ पर जा रहे हैं तो वहां पर कुछ तो मतलब वो कॉटलेट अंदर रुक जाएगा, उसको बोलते हैं सक्शन जनित प्लासेंटा। वन लोब विल बी अवे फ्रॉम द मेन प्लासेंटा। मेम्ब्रेन्स चेक करेंगे, मेम्ब्रेन्स वही तो कोरियन और एमनियन। कोरियन कहाँ पर रहेगा, मेटरनल सफेड में रहेगा। एमनियन है जो फीटल अम्बिलिकल जो कॉर्ड ये बनी है ना, ये वाला इधर बाहर की जो साइड एमनियन रहेगा, ये दोनों चेक करना पड़ेगा। वो कंप्लीट है और यहाँ से इतने बच्चा निकला है ना, तो ये कंप्लीट है, नहीं तो कहीं फ्रैगमेंट्स पड़ा है वो देखना पड़ेगा। ओके, सपोज रैग्ड है, रैग्ड मीन्स टूटी है, इधर उधर फटी है, तो उसको क्या करना है, ये कट्टा आपको अरेंज करके उसको कंप्लीटनेस आपको देखना पड़ेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड एज इट इज टू आर्टरीज एंड वन वेन विल बी देयर। सो सपोज इन केस वन वन वेन सॉरी वन आर्टरी है, सो इसका मतलब कुछ कंजेंटल अबनॉर्मलिटी से उसको पता करना पड़ेगा। सो थर्ड इज यूट्राइन मसाज। सो यूट्राइन मसाज पे पीपीएच प्रिवेंट करने के लिए यूट्राइन मसाज करना पड़ेगा। जितना दे लुक एट दिस वन, दिस इज अ पिक्चर, ये आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ में यूट्रस को पकड़ के इस प्रकार की अच्छे से प्रेशर देके उसको ये करना है। ओके, ये मसाज कब तक देते हैं, जब तक वो कॉन्ट्रैक्टेड ना हो, और ये हर 15 मिनट में रिपीट करने पड़ेगा फर्स्ट 2 आवर्स। बिकॉज ये देखो फॉर एग्जाम्पल है, जो प्लासेंटा का जो डायमीटर है ना वो 15 से 20 सेंटीमीटर है। अब देखो इतनी बड़ा लंबा जगह में ये अलग हुआ, सो थिंक अबाउट द ब्लड वेसल्स, कितनी बड़ा ब्लीडिंग होगी। छोटे से दो दो सेंटीमीटर भी वहां ब्लीडिंग होती है, मतलब सपोज कहीं नॉर्मली कट जाती है तो ब्लीडिंग कैसे होती है, इट डिपेंड्स राइट। और उसमें ऐसे लग रहा है ये बहुत ज्यादा खून हो गया करके हम लोग बोलते हैं, यहाँ से 15 से 20 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पर होते होने के कारण से यूट्रेन मसाज एडिक्वेटली आपको करना पड़ेगा। जब तक वो सॉफ्ट है तब तक आपको कंटिन्यू करना है। ओके, सो हार्ड टेनिस बॉल का जैसे, क्रिकेट बॉल का जैसे वो हार्ड होना चाहिए, तब तक के लिए यूट्रेन मसाज करना है। यूट्रेस सॉफ्ट और फ्लैबी नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट का मतलब है फ्लैबी मीन्स इट इज लूज, सॉफ्ट और बॉगी भी बोलते हैं, बॉगी इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड, यू कैन रिमेम्बर दिस। बॉगी का मतलब है वो मतलब बहुत सॉफ्ट रहते हैं, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो उसको एटोनिक यूट्रस कहता है और एटोनिक पीपीएच कहता है। इसमें बहुत डिफिकल्ट है पता, इसमें कंट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट विल बी लीडिंग टू अनदर प्रॉब्लम, यूट्रस भी निकालने के लिए हो सकता है इस प्रकार की, बिकॉज टोन होना चाहिए तभी तो कंट्रैक्शन होगी, टोन नहीं है तो अनकंट्रोल ब्लीडिंग होते रहेगा। हम लोग ने उसको देख लिया यूट्रेन मसाज की, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द स्टेज ऑफ लेबर पूरा कंप्लीट कर दिया, दैट इज UCU। वो फर्स्ट तरीका से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, पैसिवली अपना आप वो आने का चांस हो। इन दैट वन हाउ विल यू बी एबल टू हेल्प द पेशेंट टू डू दैट, कैसे एक्सपेल करने के लिए हेल्प करेंगे। जैसे प्लासेंटा सेपरेट हो गए वो लोअर यूट्रिन सेगमेंट में आ जाएगा। दो प्रकार की इसमें प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स को निकालने के लिए कर सकते हैं, एक तो फंडल प्रेशर है, दूसरा है पेशेंट को पुश करने के लिए, बेरिंग डाउन कहता है, ठीक है। वो दोनों से करेंगे। फंडल प्रेशर जैसे देता है, सो लुक एट दिस फिगर। ओके, सो ये फर्मली कंट्रैक्टेड यूट्रस जो होती है ना, तो एक पिस्टन की तरह, जैसे सिरिंज होता है ना सिरिंज, सो पिस्टन क्या होता है, जो अंदर जो घुसाता है ना उसको पिस्टन कहता है, और जो बाहर रहता है उसको बैरल कहता है। ओके, जो पिस्टन पुश करेंगे तभी तो इंजेक्शन अंदर जाती है, तो सेम थिंग ये जैसे इस प्रकार की कंट्रैक्टेड हो जाता है, ये पुश करती है, ये पुश करने के कारण से वो बाहर आता है। ओके, कैसे मेथड है इसका, मेथड जो है जैसे पेशेंट को बोलना मुंह अच्छे से खोले और लंबी लंबी सांस ले, स्लोली एंड क्वाइटली ले। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो है मसल्स यूट्राइन मसल के रिलैक्स करते हैं इसीलिए। और आप जब भी पेशेंट की केयर करते समय में आप राइट साइड में रहना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको राइट साइड में खड़ा होके करना है। और कंट्रैक्शन जैसे हो रहा है, पता चल रहा है हार्ड हो रहा है, तो आपको फंडस को पकड़ना पड़ेगा लेफ्ट हैंड पे, और उसके बाद जो फिंगर्स है जो राइट है, राइट उसका आई मीन दिस इज थंब,
ये एंटीरियर सरफेस में है, ये पोस्टीरियर सरफेस में, ये माँ इधर पीछे, ओके, ये सामने ऊपर की तरह, इस प्रकार की पोजीशन में आपको ये फंडल प्रेशर दे सकता है। जस्ट ओनली इट्स नॉट पुशिंग एक्चुअली, इट्स गिविंग अ प्रेशर। ओके, सेकेंड इज अ बियरिंग डाउन। बियरिंग डाउन करने के लिए पेशेंट को क्या बोलना पड़ेगा, जैसे प्लासेंटा सेपरेट हो गई, डिसेंड हो गई और कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस हो गई, तो पेशेंट को बोलना लंबा सांस लेके पोटी की जगह में बेयर डाउन करने के लिए, मतलब पुश करने के लिए। इट्स अ केयर ऑफ द मदर एंड द बेबी। माँ का कंफर्ट और सेफ्टी देना बहुत जरूरी है। और या ऑफ कोर्स इट इज पेशेंट विल फील कोल्ड एंड शिवरिंग। ट्रांसिएंट का मतलब ओनली शॉर्ट पीरियड, बहुत थोड़ी समय के लिए उसको रहेगा उस शॉर्ट पीरियड। ओके, सो इन दैट केस पेशेंट को एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समय में आपको पेशेंट को पूरा लिनन, अच्छे से कंबल उसको ऊपर उड़ाना चाहिए। बट याद रखना कंबल में भी वो ब्लीडिंग होने का चांसेस होते हैं। ब्लीडिंग के लिए उसको पहले सैनिटरी पैड्स वगैरह उसको लगाने के बाद उसको शीट लगाना है, उसके ऊपर आपको कंबल लगाना पड़ेगा, फिर ब्लैंकेट लगाने के बाद और वार्म ड्रिंक देना पड़ेगा। मीन्स चाय पिलाओ, नहीं तो कुछ और गर्म पानी भी पिलाओ, वो अच्छी बात है, बट बात है गर्म देने से ना तो उसको थोड़ा ठंडापन निकल जाएगी। सो बेबी को कैसे केयर देंगे, बेबी को तुरंत ड्राई करना, बिकॉज वो पूरा पूरा पानी पानी में है, उस स्विमिंग पूल से बाहर आया ना, तो इसलिए उसको पूरा अच्छे से कपड़ा से उसको सफाई करना है। और उसको वार्म रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्री वार्म्ड लिनन लेना पड़ेगा। ठंड में तो हर एक कपड़ा भी बहुत ही ये रहता है, तो प्री वार्म्ड लिनन कहाँ मिलेगा, वार्मर के नीचे में उसको गर्म करके रखना पड़ेगा। और उसके मतलब डिलीवरी होने के पहले उसको ऑन करके रख दिया, वहीं पर रख दिया, वो गर्म हो जाएगा, तो उसी से बच्चे को पेटना पड़ेगा। अदरवाइज माँ के पास नहीं रह पा रहा है, मीन्स कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मीन्स मतलब बच्चे सांस नहीं ले रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इन दैट केस वार्मर को अच्छे से पहले से ऑन करके रखेंगे, वार्मर गर्म हो जाएगा। और कॉट जो मैट्रेस है ना, तो वो भी मतलब बिस्तर की जो मैट्रेस है वो भी गर्म रखना पड़ेगा, नहीं तो ठंडा में बच्चे को हाइपोथर्मिया होगा। एक तो हाइपोथर्मिया होगा ना, एक के साथ एक फ्री हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसिमिया में भी हो जाएगा। और बेबी माँ के पास रहेगा तो अल्टीमेटली ओके, माँ के पास एकदम चेस्ट टू चेस्ट रहेगा, तो वो क्या होता है ना, गर्मा देता है। सो इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज 20 मिनट के अंदर में उसको बच्चे को पिला दिया, एक तो बच्चे को दिमाग का बत्ती जल जाएगा नंबर वन, नंबर टू ये यूट्रस भी अच्छे से कंट्रैक्ट हो जाएगी। और स्किन कलर देखना बच्चे को, रेस्पिरेशन देखना, टेम्परेचर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू गॉट इट, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज कंप्लीट एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, एंड रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स यू कैन लुक एट इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you.